हेलो एवरीवन, जनरल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड, यानी बीए सेकंड ईयर का हिस्ट्री का पेपर, जो कि पेपर सेकंड है। यह है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 to 1870 AD, 1789 से लेकर 1870 AD तक की हिस्ट्री ऑफ यूरोप पढ़ रहे हैं हम। ये पेपर 2022 का है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्या पैटर्न होने वाला है पेपर का। तो ये देखते हैं, मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम 50 नंबर का पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का समय मिलेगा, सभी खंड आपको करने होंगे। पेपर 3 खंडों में विभाजित होगा, सेक्शन ए, बी और सी। तो खंड आ यानी सेक्शन ए की बात करें, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, द्विगोत्रीय प्रश्न रहेगा। तीनों क्वेश्चन आपको करने होंगे सेक्शन ए से। हर क्वेश्चन जो होगा वो 10 नंबर का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन इसमें है, प्रथम काउंसलर के रूप में नेपोलियन के सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अथवा में देखिए क्वेश्चन दे रखा होगा इन तीनों क्वेश्चनों में। फ्रांस की क्रांति के विश्व खबर प्रभावों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मेटर्निक की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए और उसके पतन के कारणों का पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन 1830 इसी में अथवा में है, 1830 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, ये क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। और इसी के साथ अथवा में क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैंने पहले ही बोला था तीनों क्वेश्चन में एक एक अथवा में क्वेश्चन मिलेगा। पूर्वी समस्या पर निबंध लिखिए। फिर आ जाता है सेक्शन बी यानी खंड बा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, कोई 5 आपको करने होंगे, 3 नंबर का एक रहने वाला है। टेनिस कोर्ट की शपथ, रूसो, क्रिमिया युद्ध, मैजिनी, वियना कांग्रेस, नेपोलियन थर्ड की विदेश नीति, 1848 ईस्वी की क्रांति, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। ये आप 8 पढ़ लेना, इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन इस साल भी आपको मिल जाएंगे। फिर आते हैं सेक्शन सी, खंड सा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, कोई एक सही होगा, 1 नंबर आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। मैं ही राजू हूँ किसने कहा था, मैं ही राजू हूँ ये कहा था लुई चौदह ने ये कहा था। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना। तो नेपोलियन फ्रांस का जो सम्राट है वो 1804 में बना था, ठीक है। उसके बाद फिर 18 मई 1804 में ये पहली बार बने थे, फिर 6 अप्रैल 1814 तक रहे थे, उसके बाद फिर ये 1815 में 22 मार्च के में बने थे फिर से, ये ध्यान रखना आप। तो हम पहली बार बात कर रहे हैं सम्राट कब बने थे, तो 18 मई 1804 ईस्वी में ये नेपोलियन फ्रांस के सम्राट बने थे। फिर आ जाता है, निम्न में किसका संबंध रक्त और लोहे की नीति से है। तो ये जो है बिस्मार्क की बात करें अगर, तो रक्त और लोहे की नीति से इनका संबंधित है। दिद्रो की पुस्तक का क्या नाम है, विश्वकोश यानी कि एनसाइक्लोपीडिया, याद रखना इंग्लिश में भी इसको। हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली, यंग इटली के संस्थापक कौन हैं, और ये हैं मेजिनी। ये वीडियो मैंने आपको बनाई है स्पेशल सिर्फ इसलिए कि आपको बीए सेकंड ईयर हिस्ट्री पेपर सेकंड, हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 से लेकर 1870 एडी, जो कि 2022 में पेपर आया था, वो आपका क्लियर हो जाए किस तरीके से पेपर पूछा जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।